मोदी सर ने मानहानि मामले में एक और अपडेट सामने आई है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है ताकि जब कोर्ट राहुल गांधी के केस की सुनवाई करे तो उन्हें भी सुना जाए। गौरतलब है कि इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में राहुल गांधी के पास सजा माफी के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही विकल्प बचा है, लेकिन उनके खिलाफ पूर्णेश मोदी पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या होती है कैविएट याचिका। किसी पक्ष द्वारा कैविएट आवेदन ये सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है कि बिना सुने उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। कई बार केस में प्रतिवादी को जानकारी नहीं मिल पाती है और कोर्ट मौजूद तथ्यों के आधार पर एक तरफा फैसला सुना देता है। इस स्थिति से बचने के लिए कैविएट की व्यवस्था लाई गई है। इसमें प्रतिवादी पहले ही कोर्ट में अपील कर बता देता है कि उसे भी मामले में सुना जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।